तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMII पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते रहते हैं। आज स्टॉक मार्केट में फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, स्टॉक मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होती है, इसलिए हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग रन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स पिक करते रहना चाहिए और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके फंडामेंटल ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। तो इस वीडियो में भी हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी की, जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है। इस स्टॉक में आज अपर सर्किट लग गया है, नियरली 5% के अराउंड तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है। ये स्टॉक 112.60 रुपीज़ पे ट्रेड करता आपको दिख जाएगा। तो आइए इसके सारे फंडामेंटल एक एक करके चेक कर लेते हैं, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। एंड तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं थोड़ी रिस्की होती हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इनके डिटेल फंडामेंटल ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। तो आइए इसके फंडामेंटल भी जान लेते हैं, इसका हम नाम भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें। दोस्तों, इस स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस पहले जान लेते हैं। लास्ट 5 डेज़ का डाटा देख लेते हैं। 12.66% की रैली इस स्टॉक में लास्ट 5 डेज़ में देखने को मिली है। लोअर सपोर्ट लेवल 90 के अराउंड है। यहाँ से इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिली है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें, 76.21% की बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। छोटे छोटे करेक्शंस के बाद इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट हुई है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स इसने 1 मंथ में ही दे दिए हैं। 6 मंथ का डाटा देखें, 32% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और यदि लास्ट 1 ईयर का डाटा देखें, 91% के बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। आइए अब बात करते हैं लास्ट 5 ईयर्स की। तो यहाँ पे 117% के मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। लास्ट 5 ईयर्स में इसने अपने इन्वेस्टर्स का जो पैसा है डबल से ज़्यादा कर दिया है। और यदि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें, 76% के रिटर्न्स ही देखने को मिलेंगे। तो आइए इसके स्टॉक के पहले फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं, नाम भी जान लेते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं शुक्रा फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्टॉक की। ये कंपनी 1993 में शुरू हुई थी, 50 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और ये कंपनी फार्मा सेक्टर में डील करती है। यदि इसके लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स देखें, मार्च 2022 में इस कंपनी के रेवेन्यू में अच्छा जंप देखने को मिला है। मार्च 2022 में इसका जो रेवेन्यू है 8.94 करोड़ है। यहाँ पे 109% की बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। नेट इनकम 64.69 लाख की है। यहाँ पे भी मल्टीफोल्ड जंप देखने को मिला हुआ है, 769% की ग्रोथ है। डिल्यूटेड EPS 4.13 का है, यहाँ पे 824% की बढ़िया ग्रोथ है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली हुई है, 418% की बढ़िया ग्रोथ है। ऑपरेटिंग इनकम में भी आप देख सकते हो 1376% की बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली हुई है। तो लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर जो है बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आइए दिसंबर के भी इसके नंबर्स देख लेते हैं। दिसंबर में इसके जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पर रेवेन्यू का डाटा, नेट इनकम में नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पे ज़रूर आपको नेगेटिव ट्रेंड जो है वो देखने को मिल जाएगा, ये आपको नोट करके चलना होगा। यदि सितंबर 2021 का डाटा देखें, सितंबर 2021 में मिक्स ट्रेंड देखने को मिला है। रेवेन्यू में अच्छा जंप देखने को मिला है 77% का, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो नेट इनकम में रिडक्शन ही देखने को मिली हुई है। जून 2021 में देखें, इसमें भी आपको जो है ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड ही देखने को मिलेगा, लेकिन मार्जिन और ऑपरेटिंग इनकम में ज़रूर प्रेशर देखने को मिल रहा है। इन ओवरऑल मिक्स ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन लेटेस्ट क्वार्टरली जो इसके नंबर्स हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही बढ़िया है, ये आपको नोट करके चलना होगा। इसीलिए ही आजकल इस स्टॉक में बड़ी ब्रेकआउट, बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो पाया जा रहा है। तो आइए इसके कुछ और फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यूएशंस भी जान लेते हैं, देख लेते हैं कि इसकी वैल्यूएशंस किस तरह की निकल कर आ रही हैं। ये जो कंपनी है फार्मा सेक्टर में काम करती है, शुक्रा फार्मास्यूटिकल कंपनी, और ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। और आइए इसके और जो है डिटेल एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया है, यदि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको उसके फंडामेंटल ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे इसके जो फाइनेंशियल ग्रोथ का पैटर्न है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बढ़िया है। इसने अपने लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव शो किए हैं, इसीलिए इसके स्टॉक में बड़ी
पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। लास्ट वन मंथ में 76% की ब्रेकआउट रैली देखने को मिली हुई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसका टर्नओवर चेक कर लेते हैं। इस कंपनी का जो टर्नओवर है दैट इज़ 0.26 लाख का है। मार्केट कैप 17.63 करोड़ का है, ये करोड़ में निकल कर आ रहा है। मार्केट कैप यदि फुल टाइप के देखें, FF देखें तो 8.8099 का है। फेस वैल्यू इसके शेयर की 10 रुपीज़ है। EPS देखें 4.80 रुपीज़ देखने को आपको मिल जाएगा, और CEPS देखें तो 15.41 का है। PE रेशो इसकी 22 की चल रही है। प्राइस टू बुक रेशो इतनी ज़्यादा नहीं है, 1.03 की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि इसकी ROE देखें तो ये 4.59 की जरूर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही डिसेंट वैल्यूएशंस देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, इसके जो फंडामेंटल्स हैं ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फाइनेंशियल्स हैं, दे आर आल्सो लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 21 का और मार्च 22 का डाटा आपके सामने अवेलेबल है। पहले रेवेन्यू देखें तो बहुत ही बड़ी इंक्रीज देखने को मिली हुई है। नेट प्रॉफिट में भी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। EPS भी इस कंपनी का बढ़ गया है, कैश EPS भी बढ़ रहा है। सो ऑल द प्रॉफिट मार्जिन भी आपको जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड भी शो करता दिख जाएगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसकी फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही बढ़िया है। और यदि ओवरऑल ट्रेंड देखें तो बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड इसका जो फाइनेंशियल स्कोर है वो इम्प्रूव होकर 14 हो गया है फ्रॉम द 2 इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो लास्ट 3 मंथ्स में भी इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिली हुई है। ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में वही कंपनी सस्टेन करेगी जिसके फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, जिसके फाइनेंशियल्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो नेट सेल्स का डाटा जो है दैट इज़ ग्रोन एट 40.67%। PBDIT देखें तो यहाँ पे भी 1.58 करोड़ का डाटा देखने को मिला है। दिस इज आल्सो हैज़ बीन फाउंड टू बी हाईएस्ट। तो इसके फाइनेंशियल्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए दोस्तों आप इस स्टॉक को जरूर अकमुलेट करें। टेक्निकल्स देखें, MACDs देखें तो बहुत ही ब्यूलिश पैटर्न देखने को मिला है। KST भी बहुत ही ब्यूलिश दिख रहे हैं, लेकिन RSI में कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। तो इन ओवरऑल जो टेक्निकल्स हैं बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही ब्यूलिश लग रहे हैं। आइए एंड में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 49.17% का स्टेक है, पब्लिक के पास 50.83% का स्टेक है। DIIs और FIIs का कोई भी स्टेक इस कंपनी में देखने को नहीं मिला है। और आप देख सकते हो कोई भी चेंज दिसंबर 21 के कंपैरेटिवली मार्च 22 में कोई भी चेंज इसके शेयर होल्डिंग में देखने को नहीं मिला हुआ है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम ही देखने को मिल रहा है। तो इन ओवरऑल एंड में यदि हम समराइज़ करें, ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और इसके लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव आ चुके हैं। वैल्यूएशंस भी बहुत ही डिसेंट लग रही हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस टू बुक रेशो है इतनी ज़्यादा नहीं है। आज की इसकी डिलीवरी देखें तो 100% की डिलीवरी देखने को मिली है। तो इन ओवरऑल फाइनेंशियल्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और टेक्निकली भी बहुत ही ब्यूलिश पैटर्न इसके स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप इसको धीरे धीरे करके एकमुलेट करते रहें, डिप में बाई करते रहें, क्योंकि अभी इस स्टॉक में रैली बहुत ही हो चुकी है। इसलिए लामसम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत करें, आप थोड़ा वेट करें। जैसे ही इसमें कोई डिप आता है तो इस स्टॉक को आप ज़रूर एकमुलेट कर सकते हो। इसका जो लोअर सपोर्ट लेवल है वो 95 का है, अपर सपोर्ट लेवल इसका 102 का है। 100 से ले कर यदि आपको ये जो स्टॉक है 102 के अराउंड मिलता है तो ये इसकी बहुत ही अच्छी रेंज होगी। और आने वाले टाइम में इसका जो टारगेट है दैट कैन बी 130 to 140 विद इन द नेक्स्ट 1 to 2 quarters। आने वाले 1-2 quarter में अच्छे ट्रेंड इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो थैंक्स अगेन, वी विल मीट यू विद ए न्यू वीडियो। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।